वेलकम टू अनुरा अकेडमी। आज हम सभी लोग पढ़ने चल रहे हैं जीव विज्ञान की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये जो मेरी टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है क्रिस क्रास। ये क्या है भाई क्रिस क्रास? जरा आप देखिएगा, जब हम लोग पढ़ते हैं लिंग संलग्न की वंशागत तो उसमें एक टॉपिक आती है, वो टॉपिक क्या है? क्रिस क्रास है। तो इसके बारे में जरा हम लोग देखेंगे क्रिस क्रास है क्या। क्रिस क्रास एक ऐसा अनुवांशिक लक्षण है जो क्या करता है भाई, फर्स्ट जनरेशन में माता पिता से उत्पन्न होता है, किंतु पिता में माता पिता के बाद पुत्र में दिखाई नहीं देता है, बल्कि कहाँ दिखाई देता है, अप टू जनरेशन नातियों में दिखाई देता है। तो यह क्या कहलाता है? क्रिस क्रास। वो जरा देखिएगा वो क्या होता है भाई। हमने कहा यक्स वाई है और यक्स यक्स है। ये क्या है भाई, पिता है और ये क्या है माता। बता रहा है कि ये जो यक्ष सहलग्न गुण है, यक्ष ये देखिए यक्ष यक्ष बन गए और ये क्या बन गए, यक्ष यक्ष। और इनका यदि देखा जाए तो यक्ष वाई हो गया, और इस प्रकार क्रॉस कराया जाए क्या मिले, यक्ष वाई। ये दोनों क्या हो गए, पुत्र हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, पुत्री हो गई। ठीक, अब जरा देखिएगा, बताया जा रहा है कि इसमें आप जरा समझिएगा कि पिता, ये जो पुत्र है, पुत्र को जो, जरा बात को समझिएगा, पुत्र को लिंग संलग्न लक्षणों के जीन, कौन सा लिंग संलग्न, यक्ष लिंग संलग्न लक्षणों के जीन कभी भी पिता से नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि किससे प्राप्त होते हैं, माता से प्राप्त होते हैं। किसमें, पुत्र में। जरा देखिए, या यक्ष कहाँ चला आया, इन दोनों पुत्रियों में चला गया, जबकि वाई इसमें किसमें जाता है, पुत्र में। तो या जो यक्ष आया हुआ, ये यक्ष और ये यक्ष, ये दोनों यक्ष क्या हुए भाई, ये दोनों यक्ष पुत्र में आए, ये दोनों यक्ष किससे प्राप्त हुए, माता से प्राप्त हुए। अर्थात यक्ष लिंग संलग्न जो लक्षण है वह पिता से कभी भी पुत्र में नहीं जाता है, बल्कि किससे आता है, माता से आता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो अब इनमें से कोई एक लिंग संलग्न वंशागत देखिए तो होगा क्या, मान लेते हैं। आप जरा समझिएगा, यदि इसकी जो, समझिएगा, ये जो स्त्री है, या इनके देख पुरुष की बात कर लें, यदि पुरुष में ये कोई लक्षण है तो आप जरा देखें ये किसमें चला आएगा, इस स्त्री में आया होगा, यानी पुत्री में, इस पुत्री में आया होगा। लेकिन ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण है, इस जनरेशन का नाम क्या है, यपोन जनरेशन, यपोन जनरेशन में दिखाई नहीं देते हैं। तो ये क्या होती है, पुत्री सभी क्या हो जाती है, वाहक हो जाती है। जब वाहक पुत्री की शादी किसी सामान्य लड़के से कर दी जाती है तो उत्पन्न होने वाली पुत्री क्या होती है, वाहक होती है। दूसरी पुत्री की पुत्री क्या होती है, सामान्य होती है। लेकिन पुत्र की बात करें तो पुत्र क्या होता है, इसका रोगी होता है। अब जरा आप समझिए, पिता का ये पहली जनरेशन जो इनका पुत्र और पुत्री है, और इनसे उत्पन्न होने वाला लड़का, ये पुत्री से उत्पन्न होने वाला लड़का क्या है, नाती है। तो इनका यह लक्षण किसमें दिखाई दिया, नातियों में दिखाई दिया। किसमें दिखाया जाता है, नातियों में। इस जनरेशन का नाम क्या है, यप टू जनरेशन। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लिंग संलग्न लक्षण, या ऐसा लिंग संलग्न लक्षण जो यफवन पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है, बल्कि यफ टू पीढ़ी में दिखाई देता है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग संलग्न के अंतर्गत क्या कहते हैं, क्रिस क्रास कहते हैं। हमने क्या कहा कि ऐसा लिंग संलग्न लक्षण जो यफवन जनरेशन में दिखाई नहीं देता है, बल्कि यफ टू जनरेशन में दिखाई देता है, अर्थात नातियों में दिखाई देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस क्रास कहते हैं।